आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से मीडिया संबंधी प्रावधानों की जानकारी देने के लिए आज जेडीबी कॉलेज में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुच्छेद के तहत हम चुनाव आयोग को ये शक्तियां प्राप्त थे, कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। इसके अलावा एस सुब्रमण्यम बालाजी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार और इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी से संबंधित ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों के द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए, ये आयोग ने निर्धारित किया है कि ताकि सभी को समान अवसर प्राप्त हों और फ्री और फेयर होकर मतदान कर सके। जो हमने आदर्श आचार संहिता से रिलेटेड जो प्रावधान है वो इसमें बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पेड न्यूज़ हैं, जो प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापन के रूप में जो न्यूज़ प्रसारित की जाती हैं, उन न्यूज़ों को एनसीएमसी जो कमेटी गठित की गई है, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी, उसके माध्यम से उनका अधिप्रमाणन, और जो एनसीएमसी कमेटी है वो ऐसे पेड न्यूज़ का मतलब ये ऐसी पेड न्यूज़ हैं उनकी निगरानी भी रखेगी, उनके संबंध में या कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं, संदेहास्पद या संदिग्ध न्यूज़ आती है तो उनका संज्ञान लिया जाएगा। सीमांत जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से उनको नोटिस दिया जाता है और उनको जवाब देने का अवसर दिया जाता है, और जितनी भी इस प्रकार से जो पेड न्यूज़ आती हैं उनका संकलन किया जाता है, उनके जो व्यय हैं उनका ब्यूरा जो निर्वाचन व्यय टीम है, अकाउंट्स की टीम है, उसको भी बुलाए जाते हैं ताकि उनको प्रत्याशियों के खाते में जोड़ा जा सके। उसके मामले में अगर कोई उल्लंघन करते हैं तो जो कमेटी है उसके द्वारा उनको नोटिस दिए जाते हैं और उनसे जवाब लिया जाता है, उसके आधार पर जो चुनाव के प्रावधान हैं उसके हिसाब से एक्शन किया जाता है। सर, राजनेताओं के लिए एक दो गाइडलाइन बता दीजिए, क्या क्या रहेगी मुख्य रूप से? राजनेताओं के लिए ये गाइडलाइन है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हों तो उसमें किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के बारे में या घृणा फैलाने वाले ऐसे कोई बयान या ऐसी कोई न्यूज़ हैं इस प्रकार की प्रसारित नहीं हो, संविधान की भावना के अनुरूप हो, और चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं आदर्श और स्वतंत्र निष्पक्ष जो चुनाव है उनको कराने में उनको सभी मदद मिला।